अरे ये थी कौन सा पार्सल आया है? अच्छा अभी अभी आया है। पता नहीं यार, मैंने तो मुझे नहीं लगता मंगाया था। गाइस चलो जल्दी से स्टूडियो में चलते हैं यार। क्या करें इसका तो? अनबॉक्सिंग कर देते हैं। अरे दिव्यांश भाई बोलने लगेंगे यार कि मेन चैनल के लिए आया था, ब्लॉग चैनल पे क्यों कर दिया ये। हाँ तो ब्लॉग चैनल पे भी अच्छा व्यूज तो आ ही जाता है। हाँ व्यूज आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चल फिर कर देते हैं इसे। कैमरा ऑन ही पड़ा हुआ है। हाँ तो गाइस आज हमारे पास देख लो यही वाला पार्सल आया है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा। और यार बड़े रिस्क पे इसको व्लॉग चैनल पे कर रहा हूँ। दिव्यांश भाई से मुझे डांट सुननी पड़ सकती है आपके कारण, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि व्लॉग चैनल पे बहुत सारी ऑडियंस है देखने के लिए, इनको भी अनबॉक्सिंग का लुफ्त मिलना चाहिए ना। आप लोगों के कारण आज मैं दिव्यांश भाई का पार्सल है इसको व्लॉग चैनल पे अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। देख लेना मेरी नाक आपके हाथ में है। अगर आप लोगों ने ज्यादा प्यार नहीं दिया ना वीडियो पे तो फिर मेरी नाक दिव्यांश भाई के सामने कट जाएगी। तो प्लीज नाक मत कटाना और वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो में 400 लाइक कंप्लीट कर देना, क्योंकि 300 तो आप लोग कर ही रहे हो हर वीडियो में। 400 प्लीज प्लीज कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं दिव्यांश भाई का पार्सल ना यहीं पे अनबॉक्स कर रहा हूँ। चलो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सब कुछ तो बता दिया, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और चलो फटाक से मैं इसको कट करता हूँ, देखते हैं इसमें भाई ने क्या क्या भेजा। देखो दिव्यांश भाई ना बड़े दिलदार आदमी है, ठीक है, उनसे दूध मांगो तो वो खीर देते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। ऐसा है कि अगर मैं एक चीज मांग रहा हूँ और मैंने कुछ चीजें ऐड की है तो उनके वहाँ पे जो जो पड़ा होगा ना वो एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हैं। देखते हैं इसमें ऐसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता। भाई साहब ये हम लिफाफा हटाते हैं और ये रहा हमारा पार्सल। देखो इसमें से मैंने क्या क्या मंगाया था आपको बताता हूँ। मैंने मंगाए थे ये वाले फैन, क्योंकि मुझे भाई ये बहुत ज्यादा पसंद आया था। याद है ना इससे हमने क्या हवा हवाई वैक्यूम क्लीनर बनाया था, जिसे आप लोगों ने देखा नहीं मेन चैनल पे। ये मैंने इस बार 3 पीस मंगाए हैं और इसकी पावर इतनी है ना जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा ये बड़ा वाला सेल मैंने एक मंगा लिया है। हमारे पास अभी 4 और पड़े हुए हैं और भी कुछ चीजें हैं। चलो मैं सबको एक एक करके निकाल लेता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ ना कि इसमें मैंने क्या क्या मंगाया था और क्या क्या फ्री में आया है। गाइज ये कुछ हमने सामान मंगाया है। देखो सबसे पहले हम आते हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोगों ने पहले ही देख लिया और बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। दिखाना क्या, मैं आपको डायरेक्टली इसको चलाकर इसकी पावर दिखा देता हूँ। मैं इसे 12 वोल्ट देता हूँ एंड देखना आप आवाज सुन रहे हो इसकी। बहुत तेज हवा है गाइस, बहुत तेज। तो मतलब इससे हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं मेन चैनल पे, जिसमें हम काफी सारे प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं। ये चीज आपको अगर खरीदनी है, इसमें से कुछ भी आपको खरीदना है, तो इनका खुद का एक व्हाट्सएप स्टोर है जहाँ पे आपको आराम से ये चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा है और वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये चीजें आप कैसे खरीद सकते हो। बहुत ज्यादा आसान है, बस व्हाट्सएप स्टोर पे जाना है, चीजों को ये करके ऐड करना है, इनको अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट करना है, देन आपका पार्सल 7 दिन से भी पहले आपके घर तक आराम से पहुंच जाएगा। और मैक्स टू मैक्स 7 दिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप कहां पे रहते हो ये डिपेंड करता है। ये सारी चीजें खरीदना बहुत ज्यादा आसान है। इनकी लिंक जो है व्हाट्सएप की वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डायरेक्टली देख सकते हो। पहले जरा देख तो लो क्या क्या सामान है। सबके अलावा देखो मैंने एक छोटा सा प्लायर भी मंगाया था। मेरे पास इस टाइप का प्लायर नहीं था जिससे हम वायर को कोई शेप दे पाए। वायर को छीलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस टाइप का कोई प्लायर नहीं था, तो ये मैंने मंगा लिया। चलो टूल्स भी होने चाहिए। और ये जो है ये हीट श्रिंक के जैसा होता है, जैसे हम बैटरी वगैरह बनाते हैं लिथियम आयन सेल से, तो उसके ऊपर हम इसको लगा कर और हीट श्रिंक से जैसे गर्म करते हैं ना, ये सुकड़ कर बैटरी को पकड़ लेता है। तो हमें बैटरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कवर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, टेप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके अलावा मैं घर पे चीजों का ऐसे फाड़ता हूँ, आई थिंक आप भी ऐसे फाड़ते होंगे। गाइस ये जो चीज है ये 220 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। हम इससे किसी भी एसी वाली चीज की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मोटर में लगाओगे तो मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, और 220 वोल्ट से चलने वाले किसी भी चीज का वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 2000 वोल्ट है। इसका साइज देख के लग रहा है आपको, लेकिन मैंने 2000 वोल्ट का ही मंगाया था तो इसका भी उतना ही होगा। गाइस मैंने इसको डायरेक्टली पंखे के साथ अटैच कर दिया और अब मैं यहाँ पे देखना स्पीड बढ़ाता हूँ। आप लोग दूर जाओ और पंखे को देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाई, और ये पंखा देखो अभी धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है। एंड अभी मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाता हूँ, आप लोग इधर देखो मैं इसका कैसे डायल घुमा रहा हूँ। ये देखो मैंने डायल घुमाया, वो देखो वो देखो, ये देखो फुल हो गया, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से काम करता है।
हाँ तो गाइस अभी तक तो हमने काफी सारी मजेदार चीजें देखी है। चलो अब बची कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं ये वाले गियर शायद मैंने मंगाए नहीं थे, मुझे याद नहीं कि मैंने इनको मंगाया, लेकिन भाई ने शायद ये अपने हिसाब से अपने मन से भेज दिया। सिर्फ ये नहीं और भी कई सारी चीजें, ये गियर है, जो टायर्स है ये वाले टायर मैंने नहीं मंगाए थे लेकिन भाई के पास पड़े होंगे तो भाई ने भेज दिया, चलो मेरे कुछ ना कुछ काम आ जाएगी। और ये जंबो वाला टायर है ये मैंने नहीं मंगाया था, मैंने ये टायर मंगाए थे पता नहीं, और पता नहीं मैंने टायर्स मंगाए थे लेकिन मुझे याद नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही चीजें मंगाई थी। ये जो टायर देखो ये इस टाइप के भी टायर आपको आराम से मिल जाएगा, ट्रैक्टर वगैरह बनाना तो आप ये मंगा सकते हो चार पीस, ठीक है। मैंने सैंपल भेज दिया आप लोगों के लिए कि आप लोग देख पाओगे इनके पास क्या क्या अवेलेबल। ये ट्रैक्टर के फ्रंट वाले टायर, फ्रंट वाले टायर होते हैं, बैक वाले टायर बड़े होते हैं, तो बना सकते हो, ये वाले भी आपको मिल जाएंगे। ये जो गियर्स है ये गियर्स हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और इससे जो टॉयज या फिर जो चीजें बनाते हैं ना उसमें हम खुद भी बैठ सकते हैं, इतने ताकतवर गियर है, इनके टीथ बहुत मजबूत होते हैं। तो ये देखो ये अलग अलग टाइप के गियर है, आप पता नहीं इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। ये अलग अलग शेप के गियर है, आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए तो ये भी आराम से इनके व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। ये देखो कितना छोटा, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो टी शॉप मॉड्यूल, ठीक है, पहले तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, थोड़ी सी रिसर्च करने का तो पता चला कि ये जो मॉड्यूल है इसके रिमोट के थ्रू हम कुछ भी कंट्रोल करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊंगा, पहले जरा जान लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं, इसका यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये जो है रिमोट कंट्रोल का कंट्रोलर और रिसीवर है। यहाँ पे क्या है कि आप इससे रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हो, अगर आपको घर पे रिमोट कंट्रोल कार बनाने का शौक है तो इसको खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मॉड्यूल लग रहा है इस बार तो मुझे, ये आपको आराम से जाएगा और ज्यादा महंगा नहीं है, आप जाके व्हाट्सएप पे एक बार चेक करना, ये सारी चीजें आपको बहुत सस्ती मिलेगी। दो पैसिव रेडिएटर मैंने मंगाए हैं, जब हम ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं ना तो उसमें ये लगा रहता है बेस देने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह बनाएंगे तो काम आएगा। और ये बहुत काम की चीज आपको दिखाता हूँ, 9 वॉट की एलईडी का किट, जैसे हमारा बल्ब होता है 9 वॉट का फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें ये चीज खराब हो जाती है, और ये चीज सिर्फ 15 या 20 रुपए की मिलती है, और यहाँ से तो आपको और ज्यादा सस्ती मिलेगी। ऑफलाइन मार्केट से खरीदने जाओगे तो 20 रुपए की मिलेगी तब अपना बल्ब रिपेयर कर पाओगे, लेकिन इसको इकट्ठे अगर मंगा लेते हो तो आपको 8-10 रुपए मिलेगी, ज्यादा नहीं, आप चेक कर लेना जाके। तो 10 पीस मंगाई है और बगल वाले आंटी का बल्ब भी रिपेयर करना है, कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो अलग अलग साइज की हीट श्रिंक्स का अगर यूज करते हो आपको वायर में टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको वायर के ऊपर चढ़ाओ अलग अलग साइज में, पतली वायर के लिए पतली, मोटी वायर के लिए मोटी, वायर में चढ़ाओ, लाइटर से ऐसे ऐसे करोगे ये वायर को पूरी तरह से पकड़ लेगा और करंट वगैरह का भी खतरा नहीं रहता। कुछ छोटे छोटे नट बोल्ट शायद किसी चीज के लिए होंगे जो उन्होंने कुछ भेजा है तो। और यहाँ पे देखो ये बहुत काम की चीज है, जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल है, 3 पीस है पूरा जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, देखो ये 3 पीस है, ठीक है, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसके अलावा ये PM84 के 3 मॉड्यूल, इन दोनों को मैच करके मिला के 5 वोल्ट वाला कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं, और आवाज जो है बहुत हार्ड आती है। तो इससे देखो मैंने कितने सारे मंगा लिए, अगर आप ये मंगाते हो ना बहुत सस्ता पड़ेगा, सिर्फ 100 रुपए के अंदर आप अपना ब्लूटूथ स्पीकर बना पाओगे ये चीज मंगा। इसके अलावा ये देखो कुछ BMS आप क्वालिटीज दिखा देता हूँ, ये जो है 40 एम्पियर का BMS है, फाड़ कर दिखा देता हूँ, ये 40 एम्पियर 3S BMS है, इससे हम जैसे लिथियम आयन सेल की बड़ी वाली 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं तो ये उसमें काम आती है। ये 40 एम्पियर की है, ये 20 एम्पियर की है, ये वाला अगर लगाओगे तो ज्यादा टाइम तक चलेगा, और अगर ज्यादा लिथियम आयन सेल का यूज करो तो ये लगा सकते हो, अगर सिर्फ 3 लिथियम आयन सेल को सीरीज में कनेक्ट करके बना रहे हो तो ये 20 एम्पियर वाला भी लगा सकते हो। और ये जो है भाई ये सबका बाप है, ठीक है, इसमें ये जो लगा हुआ है ये हीट सेंसर है, जैसे हम बड़ी वाली बैटरी बनाते हैं ये 4S BMS, ये इसमें काम आएगी, ऐसे ऐसे 4 लिथियम आयन सेल इसके साथ ऐड करके हम 12 वोल्ट 6 एम्पियर की तगड़ी वाली 4S BMS बैटरी बना सकते हैं। और इसमें जो है हीट सेंसर दिया है, अगर आपकी बैटरी हीट होगी तो ये ऑटो कट कर देगा, मतलब बैटरी वगैरह के फटने का डर नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली आएगा लेकिन इनके यहाँ पे ये भी आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप बड़ी बैटरी बनाना चाहते हो इस वाले लिथियम फॉस्फेट बैटरी से, मेन चैनल पे बनाकर दिखाऊंगा इसलिए मैंने BMS मंगाया है, तो वहां पे जाके आप सीख सकते हो कैसे बनाना है। तो ये चीज हो गई, हमारे पास एक आखिरी चीज बची हुई है, ये जो है ये मोटर ड्राइवर है, ठीक है, देखो मोटर ड्राइवर है, इसका यूज हम मेन चैनल पे करेंगे। ये मैंने मंगाया नहीं था, भाई ने अपने हिसाब से भेज दिया खुद से, देखो इसमें एक IC भी लगी, कोडेड IC है, इसका जो है मेन चैनल पे आपको अच्छे से मैं यूज करके दिखाऊंगा। ये सारी कुछ चीजें थी कैसे कैसे ऑर्डर करना है, अगर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हो नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पे आप आराम से जाके सस्ते में सारी चीजें खरीद सकते हो। कैसे कैसे, बस ऐड करो,
या फिर अपना एड्रेस भेजो, जो जो लेना है इनको बता दो और व्हाट्सएप पे नॉर्मली बात कर सकते हो इनसे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इन चीजों का टेस्ट करके देखते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके सर्किट को बना लिया है, बहुत ज्यादा सिंपल कनेक्शंस है। देखो यहाँ पे ग्राउंड और VCC लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें हमें पॉजिटिव और ग्राउंड में नेगेटिव देना है। और यहाँ इन सारी लाइट्स को भी मैंने लगा है, इन सब का ग्राउंड भी इसी वाले ग्राउंड से होता है। और यहाँ पे आपको चार पिन मिल जाएगी, चारों में अलग अलग चीजें कनेक्ट की जा सकती है। मैं फिलहाल आपको नॉर्मली लाइट लगा के दिखा रहा हूँ और मैं पावर बैंक ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखो ऑन हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे देखो बटन आपका जो है ना, ये IC को कोड किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे भी कोडेड है, मैं चार नंबर दबाता हूँ तो यहाँ पे ब्लू लाइट जलती है। देखो चार नंबर दबाया, ब्लू लाइट जली। और अगर छह नंबर दबाता हूँ तो यहाँ पे व्हाइट लाइट जलेगी। और अगर आठ नंबर दबाता हूँ तो यहाँ पे दोनों लाइट जलती है, ग्रीन और रेड। और अगर दो नंबर दबाता हूँ तो व्हाइट और ब्लू जलती है, ठीक है। इस तरह से काम करता है, देखो काफी ज्यादा मस्त है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इससे कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये तो DC का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम रिले मॉड्यूल लगा के AC की चीजें चला सकते हैं, रूम की लाइट, पंखा, कोई भी चार चीजें ऑपरेट की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज है बहुत ज्यादा काम के, लेके दिव्यांश भाई ने कमाल की चीज भेजी, मुझे नहीं पता था उनके पास ये भी है, ठीक है। तो देख लो उनके पास ये सारी चीजें हैं, आप चाहो तो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, काफी मस्त चीज है। तो चलो फिर कैसे ऑर्डर करना है सब कुछ मैंने कई बार वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाके जल्दी चेक करो। यहाँ पे नंबर दिख ही गया था, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब करो जल्दी से।